दोनों के बीच में है गंगा सागर, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो दोस्तों पिछले ब्लॉग में आपने देखा कि मैं कैसे बखाली पहुंच रहा हूं और पूरी तरह से यानी प्रॉपर गाइड किया हूं मैं कि कैसे आप बखाली पहुंच सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूं, आप वहां से जाके जरूर देख सकते हैं। और इस ब्लॉग में हम लोग देखेंगे कि बखाली में हम लोग कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये ब्लॉग। तो गाइस फिलहाल अभी हम टोटो रिजर्व कर ले रहे हैं और ये भाई साहब बता देंगे कि 300 रुपीस लगेगा और यहाँ से हमको चार जगह, कौन कौन सा जगह? हेनरी आइलैंड अच्छा, कारगिल बीच है, फजलगंज। ओ दो से ढाई घंटे में हम लोग ये चार स्पॉट को कवर कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं ये जर्नी यहाँ से। तो मैं आपको बता दूं कि बस स्टैंड के आसपास में ही आपको होटल वगैरह मिल जाएंगे। यदि आप स्टे करने का कोई प्लान लेकर आए हैं तो अब बहुत ही आसानी से आपको होटल, बहुत सारी होटल है यहाँ पे, आप रह सकते हैं। और ये एक स्पेशल और यूनिक होटल भी आप देख सकते हैं, देखिए किस तरह से ये पूरा नाव के शेप में बना हुआ है यह होटल, होटल सुंदरम। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने फर्स्ट लोकेशन की तरफ और हम लोग का फर्स्ट लोकेशन है हेनरी आइलैंड। मैं आपको बता दूं कि बखाली बस स्टैंड से हेनरी आइलैंड की डिस्टेंस अप्रॉक्स 4 किलोमीटर है। और ये जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं ये मैनग्रोव फॉरेस्ट है और इसका 25% हिस्सा बंगाल में पड़ता है और 75% हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है। ये 25% का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हेनरी आइलैंड आने के रास्ते में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एंट्री फ़ी देना होगा और एंट्री फ़ी 10 रुपीज़ पर पर्सन है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और टोटो या फोर व्हीलर कुछ भी लेकर आते हैं तो उसका भी एक एडिशनल चार्ज लगेगा, जैसे टोटो का भी 10 रुपीज़ लगा है। और यहाँ थोड़ा सा आगे आने पर आपको ये दिख रहा है मैनग्रोव गेस्ट हाउस, यहाँ पे आप रूम बुक कर सकते हैं रहने के लिए, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से आप यहाँ पे रूम बुक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये आइलैंड बंगाल फिशरी प्रोजेक्ट का है और यहाँ पे इसका टाइमिंग आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ওটাই হচ্ছে আপনার ম্যানগ্রোভ, মানে সুন্দরবনের যে সুন্দরী গাছ, সুন্দরী গাছ এই সামনেরটা কোনটা? না ইদার নেই, ইদার নেই, ইদার। হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে, খারাপ ইদার বীজ মে ঠিক আছে। तो दोस्तों आपने सुंदरवन का नाम तो सुना ही होगा और अभी आपने एक सुंदरी वृक्ष भी देखा, तो मैं आपको बता दूं कि इसी सुंदरी वृक्ष के नाम पे सुंदरवन का नाम पड़ा है और सुंदरवन का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। तेरे वाला ट्री है ना? हाँ हाँ, उसका नाम है गरन, गरन गोरन गोरन। अच्छा गोरन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आप पुकुर देख रहे हैं, पुकुर यानी तालाब, तो इस तरह के तालाब यहाँ पे टोटल 162 हैं और इसमें अलग अलग किस्म की मछली का पालन किया जाता है। फिलहाल अभी हम लोग हेनरी आइलैंड पहुंच चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि हेनरी आइलैंड का एंट्री फी 10 रुपीज़ पर पर्सन है और यदि आप टोटो वगैरह लेकर आते हैं तो उसका भी आपको 10 रुपीज़ पे करना होगा। यदि आप यहां पे रुकना चाहते हैं, रात में स्टे करना चाहते हैं, तो यहां पे भी आप स्टे कर सकते हैं। दो आपको यहां पे गेस्ट हाउस मिल जाएगा, एक मैनग्रोव जो आप स्टार्टिंग में देखे होंगे और जो यहां पे दूसरा गेस्ट हाउस है वो सुंदरी गेस्ट हाउस है जो यहां पे आपको दिख रहा होगा। और गाइज इस होटल का आप ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। और एक पर्सनली मैं आपको कुछ सजेशंस दे देना चाहता हूं कि जब भी आप यहां पे हेनरी आइलैंड आइए तो आप टोटो बुक करके ही आइए, क्योंकि इसका जो मेन गेट है वहां से बीच जो है वो 3-4 किलोमीटर अंदर में पड़ता है, तो आप अगर टोटो बुक करके आएंगे तो आप इजीली आ सकते हैं। और यदि आप टोटो से आते हैं तो एक और एडवांटेज है कि आप जहाँ बीच उसी के जस्ट बगल में एक पार्किंग है तो टोटो आपको वहाँ तक छोड़ेगा और वहाँ से आप 5 मिनट वॉक करके आराम से बीच पे पहुँच सकते हैं। और गाइस हेनरी आइलैंड में जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर थिंग जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वानी वॉच टावर है, जो यहाँ पर वानी नाम है इस वॉच टावर का। तो हम लोग अभी चलते हैं जस्ट वानी वॉच टावर में और वहाँ से देखते हैं फिर ऊपर का व्यू। और ये देखिए खूबसूरत दृश्य,
बीच भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हाइट सैंड बीच आपको वहां पे अभी दिख रहा होगा। ये जो आप फॉरेस्ट देख रहे हैं इसमें तो कहीं एक पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि ये तीन साइड से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए इधर भी आप समुद्र देख सकते हैं, इस साइड में भी आपको समुद्र देखने को मिल जाएगा। ये देखिए इस साइड भी ये समुद्र से पूरा घिरा हुआ है और इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि ये समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ भी समुद्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वॉच टावर पे आप आके इन सब व्यू को देख सकते हैं। तो गाइस ये जो रास्ते आप देख रहे हैं यहाँ से इधर से ही हम लोग आए थे। देखिए एक गाड़ी भी आ रही है और फिर इधर से हम लोग ऐसे होते हुए निकल जाएंगे। वो देखिए सामने गाड़ी टोटो वगैरह लगी हुई है। यहाँ पे आप पार्किंग देख सकते हैं, टोटो वगैरह आपको लेकर आएगा तो यहीं पे आपको टोटो उतार देगा। यहाँ पे और भी गाड़ी पार्क हुई है तो यहाँ से बस अब अंदर हम लोग चलेंगे। तो गाइस फिलहाल अभी हम लोग जस्ट आइलैंड में यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए ये सीधा रास्ता आपको लेके चला जाएगा बीच के तरफ। और इस साइड जो दोनों साइड आप ये पेड़ देख रहे हैं ये मैंग्रोव फॉरेस्ट है जो, और इस बीच से ये रास्ता तो सच में वाकई बहुत ही कमाल की जगह है। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे और काफ़ी ऑसम लग रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लकड़ी का ब्रिज मिल जाएगा। धीरे धीरे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, ये आप नज़ारा देख सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे यहाँ पे समुद्र का जो लहर होता है उसका एक साउंड मुझे अभी से ही सुनाई दे रहा हो, आई थिंक आप लोग को भी सुनाई दे रहा होगा वो साउंड। और फाइनली हम लोग यहाँ पे समुद्र के पास अभी पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये देखिए। और यहाँ से देखिए ये गजब का व्यू बन रहा है। देखने के बाद तो बस अभी देखिए ये लहर, वाव। फर्स्ट टाइम यहाँ पे और सेकंड टाइम समुद्र के पास आया हूँ। एक फर्स्ट मैं मांडवी बीच पे गया था जो गुजरात में, और यहाँ पे कोलकाता में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। आप देख सकते हैं लहर कितना ज़बरदस्त चल रहा, पानी का और साउंड भी आप सुन सकते हैं। अभी हाई टाइड है इसलिए आप देख सकते हैं कि समुद्र का लहर इतना नज़दीक है, वरना अभी ये एक आध किलोमीटर पीछे रहता। ये देखिए चारों तरफ। ये आप साउंड सुनिए, यहाँ पे आप वेव भी देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ तक आ गया पानी कलर। ये देखिए 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 awesome। तो अभी आपने ये हेनरी आइलैंड का ब्लॉग देखा, अब हम लोग चलेंगे बखाली में दूसरे विजिटिंग प्लेस की तरफ। तब तक आप बने रहे मेरे साथ।